नमस्कार दोस्तों, आज मैं त्रिघात बहुपद का कुछ कंडीशन या ट्रिक लेकर के आया हूँ। इसके पहले द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण से लेकर के आया हूँ, आज मैं त्रिघात बहुपद और त्रिघात समीकरण से लेकर के आया हूँ कुछ क्वेश्चन, जो कि इसको बनाने में आप सब परेशान हो जाते हैं। आइए इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक हम लेकर के आया हूँ, वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, त्रिघात समीकरण और त्रिघात बहुपद का। जैसे कि क्वेश्चन नंबर एक है, एक्स क्यू प्लस एट एक्स प्लस सेवेंटीन एक्स प्लस टेन, ये है। तो हमको करना कुछ नहीं है, इसको हम देखेंगे पहले। लास्ट वाला जो पद है, एक पद दो पद तीन पद चार पद है, इसमें चार गो पद है और तीन है ऊपर घात, तो त्रिघात बहुपद है। तीन है ऊपर तो त्रिघात बहुपद, दो है यहाँ पर, अगर दो रहे इधर कुछ नहीं रहे, दो रहे तो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं, और यहाँ पर तीन है तो त्रिघात बहुपद कहेंगे। लेकिन यदि इसके बराबर में जीरो दे दे तो त्रिघात समीकरण कहेंगे, है कि नहीं? तो त्रिघात समीकरण नहीं, त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद है तो हम यहाँ पर क्यू है तो त्रिघात है, ठीक है। तो इसको लास्ट वाला लेंगे हम, तो इसका हम फैक्टर करेंगे तो देखेंगे कि इस यह जो है किसके किसके टेबल में है। फैक्टर इस तरह से होता है, प्लस वन माइनस वन, प्लस टू माइनस टू, प्लस फाइव माइनस फाइव, इसके भी टेबल में है, प्लस टेन माइनस टेन, ये हो गया, है ना। तो द्विघात समीकरण में या द्विघात बहुपद में दो अंक निकालते थे और एक्स लगा देते थे, आंसर हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है, क्यूबिक इक्वेशन में, कि इसमें फैक्टर करने के बाद तीन अंक निकालना है इतना में से, और वैसा तीन अंक निकालना है कि जिसका गुणनफल प्लस दस हो और योगफल आठ हो, ठीक है। तो कौन सा है, आइए देखते हैं कौन कौन सा है। प्लस में भी है, प्लस में भी है, तो यहां पर देखेंगे इसको निकाल सकते हैं क्या जी, चलिए इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। आइए समझ में, यहाँ पर प्लस वन निकाल दिया, यहाँ पर प्लस टू निकाल दिया, यहाँ पर प्लस फाइव निकाल दिया। अब देख लीजिए इसको यदि जोड़ते हैं, पांच या दो सात और एक आठ हो गया। यदि इसमें गुना करते हैं तो पांच दूनी के दस, दस एकम दस, प्लस दस है कि नहीं है। अब करना कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर एक्स लगा दीजिए, ब्रेकेट कर दीजिए, यहाँ पर एक्स लगा दीजिए, इसको ब्रेकेट कर दीजिए, यहाँ पर एक्स लगा दीजिए, इसको ब्रेकेट करना दीजिए, आया कि नहीं है। ये आपका आंसर करेक्ट आ गया, ये आपका आंसर हुआ। यदि इसको बराबर में जीरो लेते हैं, समीकरण में चेंज करते हैं, तो ये साइन चेंज हो जाता है। सबके बराबर जीरो करने के बाद क्या होता है कि एक्स बराबर माइनस वन, यहाँ पर एक्स बराबर माइनस टू, और यहाँ पर एक्स बराबर माइनस पांच हो जाएगा। यानी कि जीरो के बाद प्लस में है तो जीरो के बाद जाता है तो अब माइनस हो जाता है, बराबर के बाद जाता है तो माइनस हो जाता है। यानी कि देख लीजिए, यहाँ पर देख लेते हैं, एक्स प्लस वन है बराबर जीरो है, तो एक्स बराबर के बाद जाता है वन तो माइनस में हो जाता है। तो प्लस में तो बराबर के बाद जो अंक रहता है वह जाएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर माइनस होती है, त्रिघात समीकरण हो गया, लेकिन हमको निकालना है त्रिघात, सॉरी त्रिघात बहुपद। तो बहुपद निकालेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा करेक्ट, और समीकरण निकालेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। यानी कि जीरो लेंगे तो बराबर में, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें का। दूसरा क्वेश्चन है, एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस तेरह एक्स माइनस पंद्रह। इसमें भी बराबर में जीरो नहीं, तो द्विघात बहुपद, सॉरी त्रिघात बहुपद ही निकालना है, इसका भी त्रिघात बहुपद निकालना है। तो दोस्तों इसको हम देखेंगे पहले, इसको हम फैक्टर करेंगे, इसको हम फैक्टर करेंगे। आइए फैक्टर कैसे करते हैं देख लेते हैं। प्लस माइनस वन, प्लस माइनस थ्री, इसके भी टेबल में है, प्लस माइनस फाइव, प्लस माइनस फिफ्टी, यही ना है इसका फैक्टर। तो इस फैक्टर में हमको करना कुछ नहीं है, इस फैक्टर में हमको तीन ऐसा अंक इसमें से निकालना है कि जिसका गुणनफल माइनस पंद्रह हो और योगफल सम ऑफ थ्री हो, ठीक है। तो कौन सा है, आइए इसको देखते हैं कौन सा है। तो इसको इस टर्म में लिखेंगे, प्लस वन माइनस वन, प्लस तीन माइनस तीन, प्लस पांच माइनस पांच, प्लस पंद्रह माइनस पंद्रह, इस तरह से। अब इसमें से तीन निकाल लीजिए, इसको इस तरह में नहीं लिखकर तो इसे सजा करके इसमें से निकाल सकते हैं आराम से, इसमें से निकालिए क्या होगा, इसमें से निकाल सकता है। एक तो हो जाएगा आपका ये,
एक हो जाएगा आपका ये और एक हो जाएगा आपका ये, पांती है 15, निकालिए ना इसको, निकालिए इसको, निकाल करके देख लीजिए, डार्क में नहीं रहना है। क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पांती है 15 माइनस 15 होगा, माइनस 15 में प्लस 1 से करेंगे तो माइनस 15 ही ना होगा, और इसको जोड़ेंगे तो देखना लीजिए क्या होता है, 5 गए वो 6 हुआ, 6 में से 3 को घटाएंगे तो क्या होगा, प्लस 3 को ना होगा। तो यहाँ पर एक्स लगा दीजिए, करना कुछ नहीं है, ब्रेकेट बंद कर दीजिए एक्स लगा करके दोस्तों, ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, ऐसे समझ में, इससे शॉर्ट ट्रिक और क्या चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें का तीसरा तीन नंबर, 2x² + 2x³ - 2x - 1। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है दोस्तों। यहां पर x के पास कोई संख्या आ गया तो हम क्या करेंगे, इसके पहले यहां पर कोई संख्या नहीं था, x के अलावा कुछ नहीं था, तो उसको तो हम आराम से सॉल्व कर लिए थे, लेकिन अब इसमें आ गया संख्या तब हम क्या करेंगे, करेंगे क्या कि यहां से हटाएंगे इसको। हटाने का एक ही तरीका है कि सब में 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर जो संख्या रहेगा उसी से डिवाइड किया जाता है, यहां पर जो संख्या रहेगा उसी से सब में डिवाइड कर दिया जाता है। कर दिया 2 से कर दिया, तो अब देखिए ना, इसी तो कट गया ना, इसी कट गया कि नहीं, बच गया कितना, x³ + 1/2x² - x - 1/2 हो गया। अब दोस्तों हम इसका फैक्टर करेंगे, वैसा फैक्टर करेंगे कि जिसका गुणनफल मल्टीप्लाई -1/2 आना चाहिए और सम ऑफ 1/2 आना चाहिए। तो सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे, क्या इसका फैक्टर है, +-1/2, यही होगा। अब इसको इस टर्म में लिख सकते हैं ना, +1 - 1, +1/2 - 1/2। अब इसमें से 3 वैसा संख्या निकालना है, 3 ऐसा निकालना है जिसका योगफल 1/2 आवे और गुणनफल माइनस कितना, -1/2 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें एक तो ये निकाल लेंगे, एक तो ये निकाल लेंगे, है ना, और एक ये निकाल लेंगे हम। ठीक है, निकाले तो क्या करेंगे, कर लेते, +1 - -1 + +1 - -1 + +1/2, सब में गुना करेंगे तो कितना होगा, -1/2 ही होगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, +1 - 1 + 1/2, तो ये तो ये कट गया ना, तो 1/2 ही ना बचा, क्या बचा, 1/2 नहीं, ऐसा नहीं, क्या होगा, +1 - 1 + 1/2 + 1/2, तो +1/2 करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, यहां पर तो माइनस होगा ही। ठीक है, ठीक है, गुणा किए तो इतना हुआ, जोड़ेंगे तो प्लस नहीं ना आएगा, इसको काट देंगे तो 1/2 आ गया कि नहीं, 1/2 आ गया, इसमें गुना करेंगे तो -1/2 आना चाहिए, तो आ ही गया। चलिए कोई बात नहीं, आ गया। अब हमको करना कुछ नहीं है कि जो घेरे हैं उसको अलग लिख देते हैं, +1 + 1 फिर -1 - +1/2। अब इसके पास क्या करेंगे कि एक्स लगा देंगे, इस तरह से लगा दिया एक्स, एक्स लगा करके ब्रैकेट में कर दिया, बंद कर दिया, ये आपका आंसर निकल के आ गया। यदि बराबर में करते हैं 0 तो समीकरण हो जाएगा, तो समीकरण हो गया तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस में एक हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चार नंबर क्वेश्चन है, x³ + 7x² + 14x + 8 = 0। आइए इसमें जब बराबर के बाद 0 है, 0 है तो द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए हम फिर इसको करेंगे, वही सिस्टम रहेगा। अब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, +-1 + -2 + -4 + -8, यही होगा। अब इसको अरेंज करेंगे इस तरह से, +1 - 1 + 2 - 2 +
फोर माइनस फोर, प्लस आठ माइनस आठ, माइनस आठ। अब इसमें से तीन ऐसा संख्या निकालेंगे कि जिसका गुणनफल एट होना चाहिए और सम ऑफ सेवन होना चाहिए, वह कौन सा संख्या है? चलिए इसमें से देखते हैं तीन कौन सा ऐसा संख्या है। तो ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, और ये हो सकता है क्या? हो सकता है, बताइए। बिल्कुल हो सकता है। प्लस वन यहां लिख देंगे, प्लस टू यहां लिख देंगे और प्लस फोर यहां लिख देंगे। इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, कितना होता है? चार दो छह और एक साथ, इतना आ गया कि नहीं आ गया? आया ना। और इसमें गुना करो, चार दूनी के आठ, आठ का आठ प्लस में आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो चलो इसमें एक्स लगा देंगे, यहाँ एक्स लगा देंगे, यहाँ एक्स लगा करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आपका ये त्रिघात सम बहुपद आ गया, लेकिन यहाँ पर बराबर के बाद जीरो देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तीनों के बराबर जीरो है तो एक्स बराबर माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पर एक्स बराबर माइनस टू होगा, यहाँ पर एक्स बराबर माइनस फोर होगा, उल्टा विपरीत हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। अच्छा कैसे 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 कैसे, देखिए यहाँ पर एक्स बराबर फोर इक्वल टू जीरो है, यहाँ पर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो है, यानी कि तीनों के बराबर जीरो, तो एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो लेते हैं पहले, तो एक्स बराबर करेंगे, चार प्लस में बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में ना होगा, तो इसी तरह से इसका अपोजिट हो जाएगा माइनस। ठीक है, चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन बच गया है, उसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यू प्लस टेन एक्स स्क्वायर प्लस सताइस एक्स प्लस अठारह इजकल टू जीरो। ये भी त्रिघात समीकरण है, ये भी त्रिघात समीकरण है, तो हम इसका फैक्टर करेंगे पहले और इसको भी देख लेंगे क्या करना है नहीं करना है। इसका सम ऑफ टेन आना चाहिए, इसका फैक्टर अठारह, युगफल जो है सॉरी गुणनफल जो है अठारह होना चाहिए फैक्टर करने के बाद। तो देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस एक, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस सिक्स, प्लस माइनस नाइन, प्लस माइनस अठारह। अब इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे किस तरह से, प्लस वन माइनस वन, प्लस टू माइनस टू, प्लस थ्री माइनस थ्री, प्लस सिक्स माइनस सिक्स, प्लस नाइन माइनस नाइन, प्लस अठारह माइनस अठारह। अब इन सभी में से तीन ही एक ऐसा तीन ही संख्या निकालेंगे कि जिसका गुणनफल प्लस अठारह होना चाहिए और योगफल दस होना चाहिए। तो क्या निकालेंगे इसमें से, आप विचार कीजिए क्या निकालेंगे, क्या क्या निकालेंगे, आप ही को निकालना है। क्लियर, चलिए देखते हैं इसमें हम निकालेंगे क्या क्या निकालेंगे, प्लस वन निकालेंगे, ठीक है। इसमें क्या निकालेंगे, इसको निकाल सकते हैं और निकालें, ये निकाल सकते हैं, निकाले ना, चलो निकाल कर देखते हैं। प्लस वन प्लस थ्री प्लस छ निकाल लिया हमने, अब इसको जोड़िए तो कितना होता है, टेन आता है कि नहीं, छह तीन नौ और एक दस, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो अठारह आता है कि नहीं, प्लस में छत्तीस अठारह, अठारह एकम अठारह आ गया ना। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर एक्स लगा दीजिए, यहाँ भी एक्स लगा दीजिए, यहाँ भी एक्स लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, इक्वल टू जीरो कर दीजिए, करने के बाद इसको बराबर करेंगे तो क्या होगा, तीनों के बराबर जब जीरो है तो एक्स प्लस वन इजकल टू जीरो होगा, तो एक्स इजकल टू कितना होगा, माइनस वन, यहाँ पर एक्स प्लस थ्री इजकल टू जीरो है तो एक्स बराबर माइनस थ्री होगा, यहाँ पर एक्स प्लस छ इजकल टू जीरो है तो एक्स बराबर माइनस छ होगा, ठीक है। चलिए इतना नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम आइए देखते हैं एक बार और इसी को, ठीक है। जैसा कि इसमें से निकाला प्लस वन, यहाँ पर प्लस थ्री, यहाँ पर प्लस छ, प्लस में है ना, तो इसको चेंज कर दो क्योंकि समीकरण निकालना है, माइनस वन यहाँ पर, माइनस थ्री यहाँ पर, माइनस, ये आपका आंसर आ गया तीनों। क्लियर, ऐसे भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आगे आने वाले वीडियो में इससे भी बेहतरीन ट्रिक लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।